हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस समय बज रहा है सुबह के 10 और आज मेरे को अपनी दोस्त आस्था और उसकी एक बहन आ रही है, उनके साथ आज मैं जा रही हूँ मूवी देखने। तो चलो पहले मूवी देख के आते हैं, फिर आपको उसके लिए थोड़ा बहुत रिव्यू दूंगी मैं। उस साइड को ठंडी लग रही है, उधर किधर है, किधर है, ये तो नहीं है के किधर है, लिखा किधर, अरे उधर लिखा है वो, के इसमें लिखा होगा नीचे, अरे नीचे तो आओ, नीचे बैठो, ये तीन हमारी, बैठो 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 मैं किनारे नहीं बैठू, मैं पहले बता रहा हूँ, हाँ तो बीच में बैठो ना, तुम्हें मना भी कौन कर रहा। ओ अच्छी जगह मिली है यार, सही है, ली भी किसने, देखो होने वाली करवा ली। हाँ तो वापस तो आ चुके हैं और इस समय बज रहे हैं शाम के 5। तो मूवी बहुत मस्त थी, बहुत मज़ा आई देखने में। मतलब मूवी स्टार्ट हुई, हम तो पहले आस्था में मिले, फिर मूवी स्टार्ट हुई तो रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं कर सकती थी मैं, थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड किया वो भी कॉपीराइट क्लेम पे आ जाता। तो स्टार्ट हुई मूवी, उसमें पहले ही स्टार्टिंग में ही सरकटा दिखाया था कि पहले वो आया, उसने एक लड़की को ले गया अपने साथ, तो लोगों को ही लगता था कि वहाँ के कि वो जो लड़कियाँ जा रही हैं वो खुद भाग भाग के जा रही हैं, वो मॉडर्न सोच की थी तो वो खुद ही भाग जा रही हैं गांव से, उनको ऐसा लगता था, बट ऐसा था नहीं। तो बाद में जब एक जो उसके उनके दोस्त हैं राजकुमार के, उसकी कोई गर्लफ्रेंड को वो ले जाता है सरकटा, तब उन लोग को पता चलता है कि असली में कोई एक राक्षस है, कोई है जो लेके जा रहा है, सरकटा है जो लेके जा रहा है, उनको कोई बताता है, इतना होता है। फिर वहाँ पे वो परछाई का फॉलो करते करते, उसी रात में परछाई को फॉलो करते करते राजकुमार पहुँच जाता है, वहाँ पे महल टाइप का होता है अंधेरे में, तो वहाँ पे उसको स्त्री मिल जाती है, बड़ा खुश हो जाता है, अरे मिल गई चलो आ गई, वापस आ गई, मैं बड़ा याद कर रहा था। तो फिर वो जब आ जाती है तो वो उसको धीरे धीरे करके बताती है, राज बताने लगती है कि एक टाइम पे एक मतलब एक लवर्स थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो वो जो स्त्री थी वो गर्लफ्रेंड थी और उसका कोई एक आशिक था, तो वो दोनों शादी करने वाले थे, उनकी शादी भी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, जो तो वहाँ का जो एक राजा था, तो उसने मतलब वही सरकटा ही है, तो वहाँ का जो राजा था उसने उस स्त्री को और उसके आशिक को मार दिया, तो जो वो बच्ची थी 1 साल की थी वो वहीं रोती हुई रह गई। अब आपको आगे बताऊंगी वो 1 साल वाली वो बच्ची कौन थी, शायद आप समझ ही गए होंगे, बट वो अभी नहीं समझ पाए होंगे अब। तो इतना हुआ, फिर उसके बाद उसमें ये दिखाया कि स्त्री तो वो जो आ गई श्रद्धा, तो आ गई श्रद्धा ने धीरे धीरे करके उनको बताया कि कैसे मारना है, तो बेसिकली राजकुमार को ही मारना था उसको, सरकटे को। तो उतना हुआ, फिर सरकटे ने और भी लोगों को लिया अपने जाल में, और भी लोगों को साथ में किडनैप कर लिया, ले गया अपने साथ। इतना हुआ तो फिर स्त्री श्रद्धा कपूर मदद करती चली गई। अब कहानी में ये ट्विस्ट है कि दो लोग भी और इसमें ऐड हुए थे, एक अक्षय कुमार थे और दूसरा वरुण धवन आया था एज भेड़िया। वो नहीं, जब भेड़िया में दिखाया था कि उसके राजकुमार और उसका एक और दोस्त जो है वो आए मिलने, तो भेड़िया अंदर था और वो बंद था, वो भाग गया, तो यही सीन हुआ था कि मतलब भेड़िया आया और उसने मदद की थी इन लोगों की सरकटे से बचने के लिए। तो एक पैरेलल यूनिवर्स था, उसमें जाके सरकटा अपनी सारी जो स्त्रियों को लेता था उनको वहाँ पे बंद कर देता था, सारी लड़कियों को। तो वहाँ पे जाने के लिए श्रद्धा को राजकुमार की मदद लगी, वो दोनों साथ में वहाँ अंदर गए, उन लोग ने वहाँ पे जाके उसको मारने की कोशिश करी लेकिन मार नहीं पाए, तो तब वहाँ पे भी भेड़िया आया था उनकी मदद करने। अब अक्षय कुमार का क्या रोल है ये बताऊँ, कि अक्षय कुमार सरकटे के उसी खून का, उसी उसके ब्लड का ही था, तो अक्षय कुमार उनकी मदद कर रहा था, अक्षय कुमार ने उनको बताया था कि आप अंदर कैसे जा सकते हो और उसको कैसे मार सकते हो सरकटे को। इतना हुआ था, फिर उसके बाद तमन्ना का भी डांस हुआ था उसमें मूवी में। इन शॉर्ट मूवी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गई देखने में, हंस हंस से, मतलब थोड़ी बहुत चिल्लाहट भी थी
और हंसी मजाक भी बहुत आया, बहुत मज़े किए हम लोग ने देखने में। फिर हम लोग ने वहाँ से ऊपर तो कुछ खाया नहीं, तो नीचे आए, फिर हम लोग ने डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी खाया था और फिर मोइटो पिया था ब्लू लगून का, बस इतना हुआ था। और फिर बाकी एंड में सरकंडे को तो मारना ही था, बट उसको मारने के लिए स्त्री आई थी, मतलब जो श्रद्धा है वो स्त्री की, वो 1 साल की वही बेटी थी जो रोते हुए छूट गई थी, तो श्रद्धा बेसिकली एक भूत है। इस मूवी के अकॉर्डिंग एंड में ये दिखाया है कि श्रद्धा एक भूत है जो राजकुमार की मदद लेने आई थी, क्योंकि राजकुमारी से वो एक ऐसा था जो स्त्री और सरकटे को मुक्ति दिला सकता था। बस इतनी थी मूवी बेसिकली कि स्त्री 2 ऐसा होगा। और स्त्री 3 की भी स्टार्टिंग उन्होंने दिखा दी है कि अक्षय कुमार के अंदर वो जो लावा में सरकटा गया था, मारा गया था स्त्री के द्वारा, तो वो फिर उस लावा का जो कुछ एक कंटेनर केटली टाइप थी, तो वो खोल के अक्षय कुमार ने पी लिया था, तो वो सरकटा अक्षय कुमार के अंदर आ गया है। तो वो स्त्री 3 भी आएगी जिसमें अक्षय कुमार होगा, तो वो तो होने वाली मस्त है, एकदम मस्त होने वाली है। बट पता है क्या हुआ था, हम लोग की मूवी 12:15 शुरू होनी थी, 12:35 शुरू हुई थी, बहुत लेट हो गया था। तब तक हम लोग बैठ के फ़ोटोज़ ले रहे थे, मूवी सेशन फ़ोटो सेशन चल रहा था हम लोग का। अच्छी मूवी थी, बहुत सही मूवी थी, मतलब कोविड के बाद मैं ये दूसरी मूवी गई थी रॉकी और रानी के बाद, तो बहुत सही मूवी थी, मज़ा आ गई देख के, एकदम मज़ा आ गई। मतलब मैं घर आई तो मेरे फैमिली वाले भी कह रहे थे कि हाँ चलो चलते हैं, मतलब उसी दिन प्लान हो रहा था कि चलो चलते हैं, बट अभी तो कोई ऐसा प्लान हुआ नहीं है, अगर जाते हैं तो जाते हैं वरना ठीक ही है, आ ही जाएगी 1-2 हफ्ते में OTT पे, तो तब देख लेंगे। बेसिकली गाइज रिव्यू का कहें तो मूवी बहुत अच्छी थी, जाके ज़रूर देखना, मज़ा आ गई देखने में। और ऐसी मूवी बहुत कम आती है सच कसम से, मतलब आजकल तो अच्छी आती भी नहीं है मूवीज़, कभी कोई सेंसलेस होती, कभी कुछ होता है, मैं बाकियों की बुराई नहीं कर रही, बट हाँ बेस्ट मूवी थी कि कॉमेडी भी थी, हॉरर भी था, उतना हॉरर नहीं था कि एकदम जो डर जाते हैं, उतना नहीं था कि हाँ डरो, बट हंसी भी थी, बहुत मज़ा आ गया देखने में, सेंस वाली मूवी थी और गाने भी बहुत अच्छे थे, तो जाके ज़रूर देखना। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।